तो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड इस वीडियो में आपके साथ में सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ जो आपको ऑपरेशन डीमन वेल में देखने को मिलने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली वांट टू से थैंक्स टू यूबीसॉफ्ट कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया टू प्ले द न्यू सीजन अर्ली एंड सब कुछ आपके साथ में शेयर कर सकता हूँ। उसी वजह से कमिंग बैक टू आवर वीडियो, हमारे पास आ चुकी है हमारी नई डिफेंडर जिसका नाम है एजामी। शी इज़ आवर न्यू ऑपरेटर विद 2 आर्मर एंड 2 स्पीड फ्रॉम क्योटो जापान एंड अपने साथ ये लाने वाली है न्यू गैजेट और शुड आई से स्पेशल एबिलिटी जिसका नाम है कीबा बैरियर। तो गाइस कीबा बैरियर बेसिकली एक मॉडिफाइड क्यू नाई है जो किसी भी सर्फेस पर स्टिक कर जाती है एंड देन रिलीजेस अ गैस जो कुछ ही सेकंड्स बाद सॉलिडिफाई होकर एक बुलेट प्रूफ बैरियर बना देती है किसी भी सर्फेस को। यहाँ पे काफ़ी क्लियर है कि एक काउंटर ऑपरेटर है टू ऑल द हार्ड ब्रीचर्स एंड वर्टिकल प्लेस। नाइस, करने में आपकी काफ़ी मदद करने वाला है। बात करें एजामी के लोड आउट के बारे में तो शी हैज़ 9x19 VSNS प्राइमरी वेपन एंड ऑल्सो ACS-12 एज शॉटगन। सेकेंडरी में आपको D50 देखने को मिलेगी एंड व्हेन इट कम्स टू गैजेट आपके पास ऑप्शन है कि आप बावर या फिर इंपैक्ट ग्रेनेड सेलेक्ट करके खेल सकते हो। एंड सेकेंड बिग थिंग की बात करें जो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलने वाली है ऑपरेशन डीमन वेल में, इट्स गोना बी द न्यू मैप। तो गाइस फाइनली रेनबो सिक्स सीज में हमें 3 साल बाद नया मैप देखने को मिलने वाला है। नया मैप का नाम है एमराल्ड प्लेन्स। अब एमराल्ड प्लेन्स मैप सेट है इन द कंट्री ऑफ आयरलैंड। ये मॉडर्न कंट्री क्लब मैप चैलेंज करेगा प्लेयर्स को एक नए एनवायरमेंट में मास्टर करने के लिए and it's multiple levels. Coming to another gameplay mode coming in to the Rainbow Six Siege with Operation Demon Veil, it's gonna be the new team deathmatch mode and it's very clear it's gonna be the classic deathmatch, but yahan pe sirf 5 minute ka ye classic deathmatch hone wala hai jo aapko kehne ki help karega ki aap rank matches ke pehle warm up kar pao apne aim ko. And starting mein TDM map pool consists of theme park, villa and favela and सबसे fun बात ये होने वाला है guys कि आप multiple operators select कर सकते हो, like same operator select कर सकते हो, of course multiple operators भी आप select कर सकते हो like different players. अब जैसे मैं हम लोग custom खेल रहे तो 10.5 बंदे ass लेके मस्त गदर मचा सकते हैं team deathmatch mode में. It's gonna be really fun when it comes to the live server. New gameplay changes की बात करते हो तो यहाँ पे एक massive change हमें देखने को मिलने वाला है जिसका नाम है attacker repick. Like personally from my opinion it's gonna change the meta. Like coming with ऑपरेशन डीमन वेल, इट्स गोना ऑल्सो बी द अटैकर रिपिक. अब अटैकर्स के पास एबिलिटी है कि वो अपने ऑपरेटर्स और लोड आउट चेंज कर पाएंगे ड्यूरिंग द प्रिपरेशन फेज. अब ये चेंज लाने का एम यही है कि अटैकर्स ड्रोनिंग फेज के दौरान इंटेल गैदर करके अपने स्ट्रैटेजी को एडजस्ट कर पाएँ. बट अटैकर रिपिक मैं बता दूंगा इस सारे गेम मोड्स के लिए अवेलेबल होने वाला है. इट्स गोना बी इन रैंक्ड ऑल्सो, इट्स गोना बी देयर इन प्रो लीग ऑल्सो, इट्स गोना बी देयर इन अनरैंक टू एंड ऑफ कोर्स क्विक मैच में तो रहेगा ही रहेगा. Another big thing that's going to be coming in with Operation Demon Veil, it's going to be the universal weapon sights. अब सभी primary and secondary weapons पे आप सारे non-magnifying sights use कर सकते हो, but with the exception of DP27 custom reflex. ये guys मैं personally बताऊँ तो universal weapon sights काफ़ी एक अच्छा change है. Like अब आपका जो operator limitation नहीं होने वाला है कि जैसे आप कप्तान खेल रहे हो तो आपके पास सिर्फ actions है Russian sights use करने का, but आप कहीं ना कहीं अब इस Operation Demon वेल में आप लीजन खेलोगे तो आप कहीं ना कहीं सेलेक्ट कर सकते हो रशियन साइड्स भी. तो इट्स रियली अ गुड चेंज कमिंग इन फ्रॉम यूबीसॉफ्ट बाय द R6 डेव्स. बात करें नेक्स्ट की, दैट्स गोना बी द ऑपरेटर रीवर्क्स. यहाँ पे गोयो का जो फाइनली रिवर्क यहाँ पे कहीं ना कहीं दिखाया गया था वो हमें देखने को मिलने वाला है. तो गोयो का जो रिवर्क है इट्स रियली क्लियर कि आप जो पहले शील्ड लगाते थे कहीं ना कहीं कैनिस्टर्स के साथ अटैच्ड, वो अब स्लाइटली मॉडिफाई करके एक स्मॉल इंसेंडरी बॉम्ब की तरह हो गया है. अब ये वल्कन कैनिस्टर्स पार्शियली शील्डेड रहेंगे जिसको आप कहीं भी प्लेस कर सकते हो, जैसे वॉल्स पे, फ्लोर्स पे, कहीं भी. बेसिकली कैनिस्टर्स का कहीं ना कहीं एक्सप्लोजिव डैमेज थोड़ा कम ज़रूर कर दिया गया है, बट जो फ्लेम्स के बर्न होने का टाइम है उसको कहीं ना कहीं बढ़ा दिया गया है. कमिंग बैक टू अनदर बिग चेंज, दैट्स गोना बी द प्लेयर प्रोटेक्शन. इन दिस न्यू अपडेट सारे प्लेयर्स को अपने फ़ोन नंबर्स लिंक करने पड़ेंगे टू देयर यूबीसॉफ्ट अकाउंट इन ऑर्डर टू प्ले रैंक मैचेस. अगर आप नंबर नहीं लिंक करते हो तो आप अपने यूबीसॉफ्ट अकाउंट से रैंक मैच नहीं खेल पाओगे इन रेनबो सिक्स सीज. ये सिक्योरिटी मेजर इसलिए लिया गया है ताकि चीटर्स जो बैन ऑलरेडी हो चुके हैं पहले गेम से वो दोबारा गेम में री एंटर ना कर पाएँ, एंड ऑफकोर्स एज वेल एज टू स्टॉप स्मर्फिंग. कमिंग बैक टू अनदर वन बिग चेंज कमिंग इन फॉर द कंसोल प्लेयर्स एंड जिसको मतलब देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इट्स गोना बी द मैप रीप्ले फीचर कमिंग इन. अब मैच रीप्ले फीचर कंसोल्स पे भी आने वाला है इन ऑपरेशन डीमन वेल. एंड बता दूं गाइस ये जो फीचर है वो पीसी पे कहने कहीं 2020 से ही है, तो फाइनली कहने कहीं कंसोल्स पे भी आने वाला है इन द ईयर 7 ऑफ रेनबो सिक्स सीज. मैच रीप्ले फीचर के साथ आप एटलीस्ट 2 घंटे तक का गेम प्ले सेव कर सकते हो और अप टू 12 मैचेस आप अपने यू नो
गेम में सेव करके रख सकते हो. एन एडिशन रीप्ले कंट्रोल्स हैव बीन एडेड फॉर द कंट्रोल लेआउट फॉर ईजियर नेविगेशन. लास्ट में अगर हम बात करें R6 फिक्स इंसेंटिव प्रोग्राम की, तो R6 फिक्स के बारे में गाइज आपने सुना ही होगा. ये एक जगह है जहाँ पे आप जाके बग्स रिपोर्ट कर सकते हो, बट अब ये इंसेंटिव प्रोग्राम आपको रिवॉर्ड करेगा आपके बग रिपोर्टिंग के लिए. अगर आप कोई बग रिपोर्ट करते हो R6 फिक्स पे और उसका स्टेटस अंडर इन्वेस्टिगेशन पहुँच जाता है, देन आपको उसी सीजन के लाइव सर्वर पे अल्फा पैक मिलेगा एज अ रिवॉर्ड. बट उसमें जो आइटम्स मिलेंगे वो बग की सीवियरिटी पर डिपेंड करेगा. तो गाइज दिस वॉज द मोस्ट एंड द मेजर चेंजेस जो कहीं ना कहीं आपको ऑपरेशन डीमन वेल में मिलने वाले हैं इन रेनबो सिक्स सीजन. ऑफकोर्स गाइज वेलकम टू ईयर 7 ऑफ रेनबो सिक्स सीज, एंड मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अबाउट द न्यू गैजेट दैट्स कमिंग इन विथ अजामी. एंड ऑफकोर्स आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट द न्यू अटैकर रिपिक. ऑफकोर्स कहने की TDM और न्यू मैप के लिए तो मैं एक्साइटेड हूँ ही, बट सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ दैट्स कॉन बी अटैकर रीपिक, जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ईयर 5 में कहीं ना कहीं आ जाना चाहिए था कि अटैकर्स अपना ऑपरेटर्स चेंज कर पाए आफ्टर यू नो दे गो इन टू द ड्रोनिंग फेज. तो गाइज ये कुछ चेंजेस है जिसके बारे में कहीं ना कहीं मैं आपसे शेयर करना चाहता था. तो गाइज आपको ये पसंद है वीडियो तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा. ये जो भी चेंजेस आने वाले हैं ऑपरेशन डीमन वेल में, उसके बारे में आपके पास कोई थॉट्स हैं, कुछ भी आप कमेंट्स हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. एंड आई वांट टू सी कि आप लोग क्या सोचते हो, ये सब अपडेट्स आपके लिए कितना ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है या फिर आपको लगता है बस ये ऐसे ही है. ज़रूर से फील फ्री टू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो. एंड ऑफकोर्स मेक श्योर सब्सक्राइब टू आर चैनल, क्योंकि इसके बाद मैं वीडियो डालने वाला हूँ ES7 के रोड मैप के बारे में, जो कहीं ना कहीं यूबीसॉफ्ट के द्वारा रिलीज कर दी गई है. तो इसके बाद कहीं ना कहीं रोड मैप के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. तो गाइज आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही. तब तक के लिए एज ऑलवेज स्प्रेड द लव, स्प्रेड द हैप्पीनेस, हैप्पी एवरीवन, हैप्पी वॉल बैंगिंग, सी या एट द बैटलफील्ड.